हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पर दो स्टॉक से रिलेटेड हमने बात करी है। तो यहाँ इन स्टॉक से रिलेटेड चार्ट पैटर्न सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, गल्फ से रिलेटेड और यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम वे में कहे गए टेक्सटाइल यहाँ पर पहने स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है। तो यहाँ पर जाके वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आईपीओ से रिलेटेड, जिसे हम अमीरों का आईपीओ कहते हैं। अमीरों का आईपीओ क्यों कहते हैं, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई है, बटन पर लिंक दूंगा तो आपको पता चल जाएगी। और ये अमीरों का आईपीओ किस तरीके से है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड, बट आईपीओ में से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी ले। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिएगा। आप सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आएंगे डेली बेसिस पर, ज्यादा वीडियो लेके आएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज यहाँ पर ग्रैप कर सके। और यहाँ अगर आपको हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए आगे की बढ़ते हैं। तो हम जिस आईपीओ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है यूरो बॉन्ड्स दैट ब्लास्ट। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी है क्या, कंपनी करती क्या है, उससे रिलेटेड हम जानकारी लेंगे, जीएमपी से रिलेटेड बातें करेंगे, हमें इसकी डेट से रिलेटेड बातें करेंगे, सब चीज यहाँ पर पूरा आपको सब कुछ एक पैकेज पता चल जाएगा, ए टू जी के क्या क्या होता हुआ इस कंपनी में नजर आता है। तो हेडक्वार्टर इन मुंबई में यहाँ पर एक कंपनी हेडक्वार्टर है इसका। अगर बात करें ये मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है किसकी, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, यहाँ पर एसीपी में ये कंपनी ग्लोबली काम करती हुई नजर आती है। एसीपी आर काइंड ऑफ द पैनल, तो एसीपी होता क्या है, एसीपी एक काइंड ऑफ पैनल होता है विच आर वाइडली यूज इन द एक्सटीरियर कवरिंग ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग एंड द कॉर्पोरेट हाउसेज। तो यहाँ पर ने देखा होगा बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज या बड़े बड़े यहाँ पर कमर्शियल्स, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी होती है, ओके यहाँ पर, तो उसमें ये पूरा उसे ढकने के काम आती है, ओके यहाँ पर उसे वाइड यहाँ पर एक्सटीरियर कवर करके रखते हैं, उस ग्लास को यहाँ पर कवर करके हुए रखते हुए दिखाई देते हैं। और यूरोबाइंड मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ एसीपी in different color design and texture for its customers through the quality control production method। तो यहाँ पर एक बेहतरीन कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है यहाँ पर नजर आती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के आपको डिजाइन कलर दिखेगा, ताकि आप एक्सटीरियर अगर कोई यहाँ पर बाहर खड़ा है तो उस कंपनी को देख के, उसका बाहर से देख के उसे यहाँ पर लुभा सके एक तरीके से। तो अगर बात करें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्हें मिलते हुए नजर आते हैं, अगर बात करें तो एक्सपोर्ट बिजनेस में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर टेंडर्स भी में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यूरोबाइंड हैज बीन एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन द यूएस, अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे कि यहाँ पर यूएस, अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया, तजानिया, इसके अलावा श्रीलंका एंड नेपाल सिंस 2014। तो 2014 से ये चीज इन पर्टिकुलर कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आती है। और हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल मेंबर ऑफ द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर इनका पूरा का पूरा अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो नजर आता है, एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है। क्यों, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, यहाँ पर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी कंपनी जुड़ी होगी उसे फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा देखिए कंपनीज रजिस्टर ऑफिस इन द मुंबई एंड द सेल्स ऑफिस एंड वेयर हाउस आर लोकेटेड इन द भिवंडी, अहमदाबाद, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ, रायपुर, कलकत्ता एंड इंदौर। तो अगर बात करें यहाँ पर नॉर्थ में एज वेल एज यहाँ पर ईस्ट में, यहाँ पर वेस्ट में, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने कवर अप करके रख रखा है ब्रांड। यहाँ पर और भी कुछ जानने के लिए इनकी एक बार वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। इनके यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड भी, इनके मिशन से रिलेटेड ये सब कुछ आपको पता चलती हुई चलाएगी यहाँ पर चल जाएंगे। तो इनके देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स में ये सारे के सारे इनके पैनल्स यहाँ पर है, जो कि वुड से रिलेटेड है, वुड टेक्सचर सीरीज से रिलेटेड है, मतलब वुड का मतलब लकड़ी का ऐसा टेक्सचर इन्होंने एक तरीके से दे रखा है। एचपीएल में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ओके एचपीएल के ये प्रोडक्ट्स देती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें एफ आर ए सी पी से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो एक बार इससे रिलेटेड आप यहाँ पर जाएंगे इनकी वेबसाइट पर तो एक बार आप पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर आपको नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कभी भी अप्लाई करने से पहले चीजों को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे तो ही यहाँ पर अच्छा खासा आपका यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी से रिलेटेड जितने भी ये प्रोडक्ट्स है, ये सारे 16 प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर दे रखी है।
यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी नजर आती है, फायर रिटार्डेंट क्लास A2, तो यहाँ पर ये सब चीज ये यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे ड्रिलिंग होल्स, मार्केट स्लॉट कटिंग, ये सब की इनका जो प्रोसेस मेथड है वो सारा का सारा इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। तो इस बार एक बार इस कंपनी से रिलेटेड जाके यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर बात करें इनके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ये काउंट हो रहा है अभी, तो 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 300 प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, 300 प्लस इनके एम्प्लॉयज है, 1,50,000 यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती है। इसके अलावा हम और चीज़ों की बात करें तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यहाँ देख सकते हैं, ब्रांड नेम इमेज है, मतलब ब्रांड नेम है इनका एक एंथवास सिस्टिक एंड एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है, वाइड स्प्रेड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अच्छा खासा नेटवर्क भी है, R&D एंड प्रोडक्शन वगैरह में ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, राजेश शाह एंड दिव्यम शाह, तो यहाँ पर इनके प्रोमोटर्स से रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, इनके 19-20-21 का डाटा पूरा दे रखा है, तो कंपनी के रेवेन्यू देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1086 से 1429, 1429 से 1433 मिलियन से रुपीज। टैक्स की भी यहाँ पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 39 मिलियन से रुपीज, 39.65, और यहाँ पर थोड़ा सा 2021 में कम होता हुआ दिखाई दिया, और कैसे एक बार समझ सकते हैं इन दो पीरियड में यहाँ पर पैंडमिक के रीजन की वजह से यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ सकता है, बट यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर एक ही क्वार्टर में तो 18 मिलियन रुपीज आता हुआ दिखाई दिया है, तो अगर 4 टाइम्स यहाँ पर गुना करेंगे तो 60 प्लस यहाँ पर आता हुआ, लगभग 70 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में काम करती हुई दिखाई दी है, तो कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ सकती है, छोटा सा पैनी स्टॉक्स है। और यहाँ पर देखेंगे तो मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे ले रहे हैं, रिपेमेंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड लोन, तो यहाँ पर उनका कुछ लोन होगा उसके लिए पैसे ले रहे हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इस आईपीओ को कहते क्या है, तो इस आईपीओ को यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर जब ये फिक्स प्राइस इशू यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर दो चीज आती है, फिक्स प्राइस और बिग बिल्डिंग। तो फिक्स प्राइस मोस्टली किसमें आती है, वो एसएमई में आती है, और एसएमई में एक चीज और है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक लॉट होता है ना जो काफी बड़ा लॉट यहाँ पर दिखाई देता है, 200 शेयर्स का एक ही लॉट मिलेगा, एक के लिए ही आप मिनिमम यहाँ पर जा सकते हैं। और एनएससी एसएमई, तो एसएमई यहाँ पर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कहते हैं, मतलब एक छोटी छोटी कंपनीज होती है जो 25 करोड़, 30 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के आसपास की होती है, तो वो यहाँ पर अपना आईपीओ लाते हुए दिखाई देते हैं, 6 महीने में इनके रिजल्ट अनाउंस होते हैं, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स यहाँ पर इन माना जाता है, बट इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ कंपनीज यहाँ पर बहुत ज्यादा भाग जाती है, कुछ कंपनी यहाँ पर उसी प्राइस रेंज पे यार नीचे आती हुई दिखाई देती है, तो थोड़ा रिस्की है और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। तो ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये एसएमई आईपीओ माना जाता है, और इनकी जो निगरानी करता है सेबी नहीं, जैसे कि एनएससी एसएमई है, तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही इस पे सर्वेलेंस या कैसे कह सकते हैं निगरानी करते हुए दिखाई देते हैं। 14 तारीख को ये ओपन हो चुका है, ओके, यहाँ पर कल की डेट में यहाँ पर लास्ट दिन है, इसलिए लास्ट दिन से पहले यहाँ वीडियो आपके लिए लाई जा रही है। फिक्स इशू प्राइस है, मतलब यहाँ पर 70 रुपीज का एक शेयर के हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा लेना पड़ेगा, तो 1,14,000 रुपए यहाँ पर 7x14, मतलब 1,40,000 रुपए के आसपास का यहाँ पर पूरा एक पैकेज मिलाई देता है, 10 का फेस वैल्यू यहाँ पर दिखाई देता है। एनएससी एसएमई पे यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, एसएमई की अगर बात करें तो 45 करोड़ रुपीज का ये आईपीओ है, सारा का सारा फ्रेश इशू है, कोई भी यहाँ पर प्रमोटर्स हम सेल नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर 7 का यहाँ पर डिस्काउंट भी दे रखा है। और कुछ पॉइंट यहाँ पर डेट्स की बात करें, 14 को आईपीओ ओपन हो चुका है, 16 को यहाँ पर क्लोज होने वाला है, कल की डेट में लास्ट डेट है, यहाँ पर 21 तारीख को जिन्हें मिला होगा ये मिल ही जाएगा, मोस्टली ये मिल ही जाते हैं आईपीओ। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की बात करें, 22 तारीख को इनिशिएट कर दिया जाएगा, 23 तारीख को यहाँ पर शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 24 तारीख को ये शेयर यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर बात करें 2,000 शेयर्स का एक लॉट है यहाँ पर, जो कि 1,40,000 रुपए के आसपास होता है मिनिमम मैक्सिमम, इसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, ओके। और यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट्स की और बात करें तो कंपनी यहाँ पर बेहतरीन नजर आती है। अब आपको अप्लाई करना है या नहीं उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं, ओके, आप करोड़पति है,
आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है तो आप इसे पर्टिकुलर आईपीओ के लिए जा सकते हैं। बट अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर ऐसे 1-2 लाख रुपए मार्केट में लेके आता है, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मार्केट में लेके आता है और वो पर इस बेहतर इस की देख के कि अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, 70 रुपए का शेयर प्राइस है, 10 का फेस वैल्यू है, 2000 शेयर का लॉट है, इस तरीके से देख के अगर वो यहाँ पर 1,40,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो ये समझदारी बात नहीं होती। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कोई फेवरेबल नहीं होता तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो यहाँ पर जिनके पास छोटा पैसा है वो मत जाए, जिनके अच्छा खासा पैसा है जो रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, छोटा आईपीओ है ये कंपनी इस तरीके से होती है कि भागने को एक कल को आपको 1 लाख रुपए आपके करोड़ों में चेंज कर सकती है और या फिर आपके जो 1,40,000 रुपए है इसे 40,000 रुपए ही रह सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है बट कंपनी यहाँ पर प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है, कंपनी का यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी हुई है तो सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा है। तो आप यहाँ पर एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी भी यहाँ पर करेगा। बाकी जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर कोई जीएमपी खास देने रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई जीएमपी यहाँ पर ना 12 को था, ना 13 को था, ना 14 को था, ना 15 को यहाँ पर जीएमपी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जीएमपी एमपी का कोई खेल नहीं होता, सिंपल यहाँ पर एक्शन होता है, जो भी होगा उसी दिन होता हुआ दिखाई देगा। या फिर बहुत सारे एसएमई आईपीओ आए हैं तो एक बार यहाँ पर जाके उन एसएमई आईपीओ से रिलेटेड जानकारी ले लीजिए, चेक कर लीजिए, उनके चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तब आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जितना हो सके हमें सपोर्ट करना। कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करना और हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।